फिर से प्रोलिक स्टेज पर मैं संगीता भटेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल गुड़ की पट्टी। ये बहुत टेस्टी है, आप इसे बनाइएगा, खाइएगा और प्रोलिक स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। गुड़ तिल पट्टी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी गुड़, 1 कटोरी तिल, दोनों बराबर ही मिक्सर में लेने हैं हमने। 1 टीस्पून हमने घी लिया है और 2 टीस्पून पानी। सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसे 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि तिल भुन ना जाए तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। ध्यान रखना हमें तिल का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको लगातार चलाते रहना है। जैसे ही तिल भुन जाएंगे इनमें शाइन आने लगेगी और ये थोड़ा फूल जाते हैं। ये तिल भुन चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये अगर आप देखेंगे तो इनमें एक शाइन आ गई है। हमने कढ़ाई में घी को डालना है, घी के साथ ही हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे और गुड़ को डाल के, गुड़ को फ्रेंड्स मैंने कूट लिया है, आप सिलबट्टे या बेलन से इसे कूट सकते हैं जिससे कि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। फ्रेंड्स, ये जो चाशनी अब हमारी सेट हो गई है, ये बहुत थिक फॉर्म में आ जाएगी। अब हम इसमें तिल को ऐड करेंगे, साथ ही साथ आप चाहें तो गार्निश के लिए बादाम और पिस्ता को भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से बादाम और पिस्ता को ऐड कर रही हूँ। इंडक्शन को हम बंद करके फटाफट से इसे चलाएंगे। अगर आप इस चाशनी को देखेंगे तो ये साउंड करेगी, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल क्रंची है। ये हमारा गुड़ एकदम क्रंची हो जाना चाहिए, इस प्रकार का साउंड आएगा इसमें। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक पॉलिथीन की शीट लेंगे, उस पर आप घी से ग्रीस कर लेंगे उसे और फिर इस मिश्रण को हम उस पर डाल लेंगे। मैं इसे 2 बार में डिवाइड करके बेलूंगी। जितना आप इसे पतला बेलेंगे उतनी ही टेस्टी बनेगी और उतनी ही क्रंची रहेगी। हाथ से इस तरीके से फैला लेंगे। बेलन को भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, अब हम इसे फटाफट बेलेंगे। गरम गरम ही हम इन्हें मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट में ये सेट हो जाएगा। फर्स्ट बैच को हमने बहुत जल्दी बेलना है ताकि सेकंड बैच ठंडा ना हो, और अगर वो ठंडा हो गया है तो आप उसे थोड़ा सा गर्म करके हल्का सा पानी का छींटा लगा देंगे और फिर उसे फटाफट बेल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है तिल और गुड़ की पट्टी यानी कि गचक। आप भी इसे बनाइएगा, खाइएगा और प्रोलिक स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।